यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए दो दिवसीय परीक्षा हो रही है। इसमें 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठ रहे हैं। पहले दिन 17 फरवरी को कई सेंटर पर परीक्षा हुई। इसमें कई मुन्ना भाई भी पकड़े गए। इस बीच कन्नौज जिले में एक ऐसा प्रवेश पत्र सामने आया जो यूपी ही नहीं देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये प्रवेश पत्र अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम पर जारी हुआ है। इसमें अभिनेत्री की दो तस्वीरें भी लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि अफसरों के बीच इसकी जानकारी पहुंची तो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया। प्रवेश पत्र के हिसाब से परीक्षार्थी को तीरवा के श्रीमती सोनेश्री स्मारक बालिका महाविद्यालय में परीक्षा देनी थी। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और कॉलेज को जब अभ्यर्थियों की लिस्ट में इस परीक्षार्थी के बारे में पता चला तो वो चौंक गए। देखते ही देखते सनी लियोनी के नाम से जारी प्रवेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इसे किसी की शरारत माना जा रहा है। एडमिट कार्ड वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वे प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बताया गया कि ये फर्जी एडमिट कार्ड है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जब फॉर्म भरा गया तो उनके एडमिट कार्ड जारी होने के दौरान गलत फोटो अपलोड हुई। इसकी शिकायत भर्ती बोर्ड को मिलते ही ऐसे एडमिट कार्ड को छांटकर फोटो सेक्शन ब्लैंक अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिसकी भी गलत फोटो लगी है वो अपनी एक फोटो और आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।